हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं नेहा बारचा, सोनन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो होगी ही। आज उल्लासनगर के 17 सेक्शन और शिवाजी चौक परिसर में जितने भी ग्लोसाइन बोर्ड थे उन सभी पर उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई। आइए देखते हैं आखिर यह मामला है क्या। उल्लासनगर महानगर पालिका ने 2015 में ग्लोसाइन बोर्ड का टैक्स वसूलने का ठेका पवन एडवर्टाइजिंग कंपनी को दिया है। पवन एडवर्टाइजिंग कंपनी को इस ठेके के सालाना 55 लाख रुपये पालिका को भरने पड़ते हैं। गए 3 सालों से पवन एडवर्टाइजिंग कंपनी ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा रकम पालिका में भरी है, लेकिन उल्लासनगर शहर के 90% दुकानदारों ने ये टैक्स पवन एडवर्टाइजिंग कंपनी में भरा ही नहीं है। लेकिन ये साल पवन एडवर्टाइजिंग के आसन बालानी जी ने पालिका को एक नोटिस देते हुए अगर पालिका ये टैक्स वसूलने में मदद नहीं करेंगी तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा, ऐसा आवेदन दिया। ये बात पालिका आयुक्त आचू धांगे जी को पता चलते ही उन्होंने पालिका के सहायक आयुक्त गणेश सिंपी, भगवान कुमावत, अजीत गोवारी, दत्तात्रेय जाधव इनकी बैठक बुलाई। इस बैठक में जिन दुकानों के ऊपर बड़े ब्रांड के बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटाने का आदेश दिया गया। उस आदेश का पालन करते हुए शुक्रवार सुबह 17 सेक्शन के मोबाइल मार्केट में कार्रवाई शुरू हो गई। इस कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं सहायक आयुक्त गणेश सिंपी जी से। जे कंपन्या आहेत त्या पेमेंट करत नाही महापालिकेला, त्यामुळे आज महापालिकेच्या वतीने धडक कारवाई हाती घेण्यात आलेली आहे। जे कराला वर्णन करणार नाही त्यांचे बोर्ड जे आहेत कंपन्याचे ते आठवड्याची कारवाई करण्यात येईल। आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे? आतापर्यंत 3 ते 4 फलक काढण्यात आले आहेत। तिथं जे आहेत दुकानदार आणि आस्थापनाधारक त्यांनी चेकने पेमेंट अदा केलेले आहे, ज्यांनी पेमेंट अदा केलं आहे त्यांची कारवाई करण्यात आली आहे आणि ही कारवाई यापुढे देखील अशीच चालू राहणार। शुक्रवार दिनभर ये कार्रवाई 17 सेक्शन, फर्नीचर बाजार और शिवाजी चौक इस परिसर में सीमित थी, लेकिन आगे के समय में पूरे शहर में ये कार्रवाई चालू रहने वाली है। उल्लासनगर शहर के सभी दुकानदारों को इस बारे में नोटिस दिया गया है। अगर उसके बावजूद ये रकम दुकानदार नहीं भरेंगे तो ये रकम उनके टैक्स में जोड़ी जाएगी, ऐसी माहिती प्रशासन के मार्फत दी गई है। अमर शिंदे के साथ सैमसन गुड़ के स्वानंद मीडिया उल्लासनगर। हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।